सभी किसान बंधुओं और रेशम कीट पालन की चाह रखने वाले और स्टूडेंट छात्र जो इस बारे में जानकारी चाहते हैं, आप सभी आज फिर से हमारे साथ सेरिकल्चर के मंच पर आमंत्रित हैं। और आपको बताना चाहूंगा, आज फिर से हमारे इस एपिसोड में हमारे साथ ज्ञान बांटने के लिए, अपने ज्ञान के आलोक से हम सभी को प्रकाशित करने के लिए साथ में है सेरिकल्चर के तकनीकी विशेषज्ञ रोमिल पांडे जी। और पता नहीं आज कौन से गुर हमें सिखाने वाले हैं, वे सेरिकल्चर के बारे में या फिर हम कहेंगे रेशम कीट पालन के बारे में, जो उसको छूता हुआ सा निकल जाएगा और हमारे कीट पालन को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाएगा और हमें रेशम उत्पादन को बढ़ाते हुए हमारी आय को बढ़ाएगा। ऐसे ही तकनीकी पहलुओं को ये छूने वाले हैं आज। और आप हमारे साथ देख रहे होंगे काफी सारे उपकरण भी रखे हुए हैं, बहुत नजर गड़ा के रखिएगा, आंख और कान खोल के रखिएगा, साथ बने रहिएगा। मैं समझता हूं आज एक ऐसा उपकरण जो इसी के बीच में जाली नुमा सा आपको दिखाई दे रहा है साथ में, शायद उसे मेरी समझ से लीफ चैम्बर कहते हैं। और लीफ चैम्बर के बारे में आज हमारे जो तकनीकी विशेषज्ञ साथ में बने हुए हैं, वे उसकी बारीकियों से हमें रूबरू कराएंगे। मैं आमंत्रित करना चाहूंगा रोमिल जी को कि आप ये लीफ चैम्बर, शायद इसे लीफ चैम्बर ही कहते हैं, ये लीफ चैम्बर का क्या कीट पालन में, रेशम के कीट पालन में क्या महत्व है, ये कैसे हम उपयोग में ला सकते हैं जिससे कि हमारा उत्पादन रेशम का बेहतर बन सके। मेरे साथीगण हमसे जुड़े हुए जो जानना चाहेंगे। नमस्कार सर, सभी किसान बंधुओं को भी नमस्कार। जैसा कि हमने पिछली बार चर्चा करी थी कि कुछ सामान्य से उपकरण जो कि रेशम कीट पालन कार्य में हम यूज़ करते हैं, किसान बंधु यूज़ करते हैं, तो उसी क्रम में आज एक ऐसा उपकरण जिसको हम उपकरण ही कहेंगे, एक ऐसा उपकरण है जो कि रेशम कीट पालन के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य करता है। ये आप यहाँ पे देखेंगे, ये एक लोहे का आयरन रैक है जिसमें कि जाली नुमा आयरन रैक है। और इसका कार्य क्या होता है कि जैसा हम जानते हैं कि रेशम कीट पालन कार्य में जो रेशम कीट का भोज्य है वो शहतूत की पत्ती है, और उस पत्ती के लिए किसान के पास अपने पेड़ होते हैं जहाँ से वो उन पेड़ों से पत्तियाँ तोड़कर और उसको रेशम कीट को खिलाने के लिए अपने कीट पालन भवन तक लेके आता है। लेकिन प्रायः देखा जाता है कि किसान जो होता है वो बहुत सारे कार्यों में लिप्त होता है, उसके पास समय की बाध्यता रहती है, उसको रेशम के साथ साथ दूसरे कृषि कार्य भी करने होते हैं। तो ऐसी स्थिति में हमें ये देखना पड़ता है कि क्या वो सारा दिन रेशम की पत्तियां तोड़ने में ही लगा रहेगा, शहतूत की पत्तियां तोड़ेगा और उनको रेशम कीट को खिलाएगा। तो ऐसी स्थिति में किसान के लिए ये सबसे उपयुक्त होता है कि वो एक निर्धारित समय में आने वाले 2-3 फीडिंग जिससे में उसको कीड़ों को पत्ती खिलानी है, उनके लिए रेशम की पत्तियां तोड़ कर लाए और जिस भवन में उसको कीट पालन करना है वहां पर उन पत्तियों को वो सुरक्षित रख सके, उसके लिए ये रेशम लीफ चैम्बर, ये रेशम की शहतूत पत्ती का लीफ चैम्बर है, इसका उपयोग वो करता है। तो ये रोमिल जी हमारे साथ जुड़े हुए श्रोतागण और जो ऑडियंस हमें देख रही है वो जानना चाहेगी कि आपके लीफ चैम्बर के ऊपर एक टाट सा जो रखा हुआ है, जूट बैग जो दिखाई दे रहा है, ये किस लिए है? जैसा कि मैंने बताया कि ये एक ऐसा लीफ चैम्बर है जिसमें कि जाली नुमा है, यानी कि इसमें हवा का प्रवाह एक जगह से दूसरी जगह होता है। जब हम पत्तियां लाते हैं तो उसको हम इस तरह से सुरक्षित रखते हैं कि बिल्कुल बंद ना हो। नहीं, बंद होने से क्या होगा कि पत्तियां जैसे जैसे समय बीतेगा वैसे वैसे काली पड़ जाएंगी और वो रेशम कीट के भोजन के लिए उपयुक्त नहीं होंगी। लेकिन ऐसा भी नहीं करना है कि हमें उन पत्तियों को बिल्कुल सुखा देना है, क्योंकि जब हमने कहा कि वो शुरुआत में 2-3 फीडिंग की पत्ती लेके आएगा तो क्या तब तक वो पत्तियां ऐसी जगह रखी रहेंगी जहां पर वो धीरे धीरे सूख जाए? तो इसके लिए हम इस जाली नुमा जो लीफ चैम्बर है इसके ऊपर ये टाट का जो कपड़ा है उसको भिगो करके और पूरी तरह निचोड़ करके उसको चारों तरफ से ढक देते हैं और अंदर शहतूत की पत्तियां रहती हैं, जिससे कि शहतूत की पत्तियां ज्यादा समय तक नम बनी रहेंगी और वो आने वाले जो हमारी फीडिंग की समय होगा उस समय हम उसको उपयुक्त पत्ती कीट को खिला सकेंगे। रोमिल जी, क्या हम नजदीक से चल के इस उपकरण को देख सकते हैं जिससे कि हमारे साथ जुड़े हुए साथी इसको अच्छे से पहचान सके? जी हाँ सर, यहाँ हम देखेंगे कि ये एक बहुत ही सामान्य सा जाली नुमा चैम्बर है, इसमें और कोई ऐसी चीज नहीं है जो कि विशिष्ट हो, ये बहुत जाली नुमा चैम्बर है। और इस स्थिति में हम देखेंगे कि इसमें इतना स्पेस होता है कि एक सामान्य किसान जितना कीट पालन करता है उसके लिए उपयुक्त पत्ती का भंडारण यहाँ पर आसानी से किया जा सकता है। और इसमें चारों तरफ से ये जाली है, इसमें हवा का प्रवाह भी बना रहता है और इसको हम अपने कीट पालन भवन, क्योंकि एक चीज ये भी देखी गई है कि अगर हम पत्तियां एकदम से तोड़ के लाएं और कीट को खिलाएं तो बाहर के वातावरण और कमरे के वातावरण में बहुत अंतर होता है। सीधे बाहर से लाके हम सीधे कीट पे अगर पत्ती खिलाते हैं तो उसमें कीट को थोड़ा प्रभावित भी कर सकता है। तो ऐसी स्थिति में हमें पत्ती उस जिस भवन में हम कीट पालन कर रहे हैं उसी तापक्रम में हमें वहाँ पत्ती सुरक्षित रखनी पड़ती है, जिससे कि वो पत्ती का तापमान भी कमरे के तापमान के अनुकूल हो जाए और आसानी से जब हम कीट को
वो पत्ती खिलाएं तो वो उस कीट के लिए अच्छा भोजन उपलब्ध हो सके। वैसे रोमिल जी, हमने सुना है कि जब रेशम के कीटों को पाला जाता है तो उन्हें अमूमन पत्ती जो है दिन के 4 टाइम पे खिलाई जाती है, कि सुबह खिला दी, फिर दिन में खिला दी, फिर शाम तक खिला दी। क्या टाइमिंग है वो जिससे आप अवगत कराएं? हाँ देखिए, जैसे कि उचित रेशम कीट पालन के लिए समय पर उसको पत्ती देना बहुत आवश्यक है, और सामान्यतः हम 4 बार दिन में 4 बार रेशम कीट को पत्ती देते हैं, जो कि प्रातः 7 बजे, फिर 11 बजे, फिर शाम को 4 बजे और रात को 9 से 10 के बीच। तो ये इसके समय होते हैं जिसमें कि अगर उपयुक्त रूप से पत्ती दी जाएगी तो कीट का बढ़त अच्छी होगी, उसका आगे चलकर वो अच्छा रेशम उत्पादन उससे हो सकेगा। जो कीड़ा है हमारा, वो पहले अंडे से जब निकलता है, अंडे हमने देखे कि बड़े राई के दाने जैसे बहुत छोटे छोटे होते हैं, तो उसमें से जब कीड़ा भी निकलेगा तो बड़ी वाजिब सी बात है कि बहुत छोटा सा कीड़ा निकलेगा और वो धीरे 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 बड़ा होता जाता है, और उसकी जो लार्वल स्टेज है उसमें वो, हमने सुना है कि शायद वो शुरू से लेकर के आखिरी तक 10,000 गुना अपने साइज में इंक्रीज कर लेता है। तो जब वो इतना इंक्रीज कर लेता है तो शुरू में तो वो शायद छोटी पत्तियां खाता होगा और बाद में फिर शायद बड़ी खाता होगा, क्या ये सही है? हाँ बिल्कुल, ये सही बात है, क्योंकि इसमें रेशम कीट पालन में एक महत्वपूर्ण चीज ये भी है कि रेशम का जो भोज पौध है उसकी पत्ती का प्रबंधन हम ऐसा ना करें कि हम जिस समय कीड़े को बहुत छोटी स्टेज में कीड़ा है, बहुत छोटा है, उस समय हम ऐसी पत्ती दे दें जो ना तो वो उसके भोज के रूप में इस्तेमाल हो सके और वो वेस्ट भी हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में जो शुरुआती दौर पर होता है, जिस समय वो कीड़े अंडे से बाहर निकलता है, तो हम जो प्रथम अवस्था होती है उसमें 0.5 से लेकर 2 स्क्वायर सेंटीमीटर की पत्ती उपलब्ध कराते हैं, जो कि आपको सुनने में देखने में लगेगा कि बहुत छोटी पत्ती होती है। और उसके लिए जैसे हमने पिछली बार चर्चा करी थी कि यही सामान्य से उपकरण है जो कि चॉपिंग बोर्ड है, चॉपिंग नाइफ है, इन्हीं की मदद से उस छोटे आकार की पत्ती को जो कि 0.5 से लेकर 2 स्क्वायर सेंटीमीटर की होती है उसको प्रथम अवस्था में खिलाया जाता है। उसके बाद द्वितीय अवस्था में वो 2 से 4 स्क्वायर फीट की पत्ती हो जाती है, यानी कि जैसे जैसे कीड़े का साइज बढ़ेगा वैसे वैसे पत्ती का साइज भी बढ़ता रहता है। इसका मतलब यही चॉपिंग बोर्ड जो आपने पिछली बार हमारे साथ मंच पर जुड़ करके हमारे साथी को बताया था, इसी चॉपिंग बोर्ड की मदद से और इस चॉपिंग नाइफ की मदद से पत्तियां लाते हैं, वो तो अलग अलग साइज की होती हैं, लेकिन हमें जितने साइज का छोटा पत्ती का साइज अपने कीड़े को खिलाना होता है उसको हम इससे चॉप कर लेते हैं, छोटे छोटे साइज में या फिर बड़े बड़े साइज में। मैं समझता हूँ कि बाद में जब कीड़ा काफी बड़ा हो जाता होगा तब तो पूरी की पूरी पत्ती भी उसे डाल दी जाती होगी। देखिए, जैसा कि हमने अभी चर्चा भी करी कि ये हम चॉपिंग बोर्ड और चॉपिंग नाइफ का उपयोग उचित आकार की पत्ती जो उस कीड़े का साइज है उसके हिसाब से करते हैं, यही उपकरण आपके उत्तरावस्था कीट पालन में भी किसान के द्वारा उपयोग में लाए जाते हैं, लेकिन वहां पर कीड़े की साइज के हिसाब से पत्ती का साइज बढ़ जाता है। जिस समय तृतीय अवस्था में कीड़ा किसान के पास जाता है उसमें 5 से 8 स्क्वायर सेंटीमीटर की पत्ती का साइज हो जाता है, जो कि इसी उपकरण के माध्यम से किसान बंधु उसको काट कर उपलब्ध कराते हैं। फिर उसके बाद जैसे चतुर्थ और पंचम अवस्था जो कि कीड़े की बहुत बड़ी जिसमें साइज उसका काफी बढ़ के आ जाता है, तो वहां पर अमूमन ये होता है कि जब चौथी अवस्था आती है उसमें 1 पत्ती के 4 टुकड़े शुरुआती अवस्था में, और उसके बाद उसी अवस्था की दूसरी अवस्था में उसको हम 2 टुकड़ों में पत्ती काट के भी दे सकते हैं, और पंचम अवस्था में तो शुरुआत में 2 टुकड़ों में और उसके बाद पूरी पत्ती का भी उपयोग कर सकते हैं, जिससे कि अच्छे तरीके से वो भोजन कीड़ा प्राप्त कर सकता है। तो जब इस प्रकार से पत्तियां हम अपने कीड़े को खिलाते हैं तो मैं देख रहा हूँ हमारे साथ यहाँ पे ये नीले नीले रंग की ट्रे भी रखी हुई है, ये ट्रे में आप कीड़ों को पालते हैं, आपने पहले भी बताया, तो इसमें क्या पत्तियां इसमें हम काट करके डाल देते हैं? हाँ, जैसे कि पिछली बार हमने चर्चा करी थी कि ये बहुत ही अच्छा और सुगम उपकरण है किसी भी रेशम कीट पालन के लिए, और इसमें आसानी से जिस अवस्था का भी कीड़ा होगा उस अवस्था के अनुसार इन ट्रे की संख्या बढ़ती चली जाती है, और यहाँ पर किसान बंधु इस उपकरण का उपयोग करके, चॉपिंग बोर्ड चॉपिंग नाइफ का उपयोग करके आसानी से इस ट्रे में कीड़े के ऊपर पत्ती काट के डाल सकता है और इसमें अच्छा रेशम कीट पालन हो जाता है। तो ये जो आपकी ट्रे है इसमें आपने कहा कि हमने छोटे साइज की डाली तो वो भी जो है इसके ऊपर डाल दी, तो क्या उसको बराबर ऐसे हम इसमें बिखरा देते हैं या फिर ऐसे एक ढेर सा बना दिया पत्तियों का? देखिए, ऐसा होता है कि कीड़ा जब छोटा होता है तो उसका आकार छोटा होने के कारण वो ट्रे में पूरा साइज नहीं घेरता है, तो हमें या किसान बंधु को उसमें पत्ती डालते समय उसके ऊपर एक जैसे हम बुरकाव करते हैं, छिड़काव जैसा करते हैं, कटी हुई पत्ती जो भी होती है उसका समान रूप से छिड़काव करना पड़ता है, जिससे कि जहां जहां तक भी कीड़ा फैलाव में है वहां पर समान रूप से पत्ती हो जाए, क्योंकि इससे होगा कि अगर हम एक ही तरफ पत्ती डालेंगे या एक ढेर बना के डाल देंगे तो वहां पर कीड़ों ने उस पत्ती को ज्यादा खा लिया होगा और दूसरी तरफ के कीड़े उस पत्ती से वंचित रह जाएंगे, जो कि बाद में एक साइजिंग के रूप में आ जाता है जो कि कीड़े के स्वास्थ्य के लिए उचित नहीं होता है।
तो ये तो ट्रे विधि अमूमन जो है आपके समाप अपनाई जा रही है। एक ऐसा भी सुना जाता है कहीं की पूरी सूट भी जो है कीड़े को खिला दी जाती है, क्या ये इसमें क्या सच्चाई है या क्या है ये? हाँ सर, ये हमारे जो दक्षिण भारत के क्षेत्र हैं वहाँ पर ये शूट ट्रेडिंग की प्रक्रिया अपनाई जाती है। हम चूंकि उत्तर भारत में उत्तराखंड राज्य में हैं, तो हमारे यहाँ ट्रे रीडिंग के रूप में हम कीट पालन करते हैं। लेकिन ये शूट ट्रेडिंग एक बहुत अच्छी तकनीक है जिसमें कि किसान पूरी टहनी काट कर कीड़ों के ऊपर भोज पदार्थ के रूप में डाल सकता है। लेकिन उसके लिए जो उपकरण होते हैं वो थोड़े अलग होते हैं, वो ट्रे में नहीं होती है। उसके लिए एक मचान जैसा बनाया जाता है, एक प्लेटफॉर्म बनाया जाता है, और उसकी तकनीक लगभग ऐसी ही होती है। लेकिन उसमें सुगमता होती है किसान को कि वो आसानी से कम समय पर भी अच्छी तरह से कीट पालन कर सके। हाँ, इसका मतलब कि ये दोनों ही विधि अपने आप में है, लेकिन दोनों अलग अलग है। एक ट्रे रियरिंग विधि है जिसमें हम पत्तियों को काट के या फिर लास्ट की स्टेजेज में बड़ी बड़ी पत्तियां ही तोड़ करके उसको हम रख देते हैं कीड़े के साइज के हिसाब से। और एक शूट रियरिंग विधि होती है जिसमें रोमित जी का हमारा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका कहना है कि बाद की स्टेजेज में जब कीड़ा बड़ा हो जाता है तो पूरी की पूरी सूट भी उसके सामने रख दी जाती है। वो एक अलग तरीका है, और दोनों ही तरीके हैं लेकिन अलग अलग है जिसे फॉलो करके हम कर सकते हैं। एक सवाल और मन में निकल करके आ रहा है, आप जब इन चीजों को बता ही रहे हैं कि जब हम ये लीफ चैम्बर का इस्तेमाल करते हैं, इसके साथ जुड़ा हुआ सवाल कि जो पत्तियां हैं ऐसा सुना जाता है कि तेज धूप से तोड़ करके आप लेकर के आए, तो क्या बहुत गर्म गर्म पत्तियां, क्या वो नुकसान करती हैं कीड़े को, क्या सीधे उसे नहीं फीड कराया जा सकता है? देखिए, हमेशा ये ध्यान में रखना चाहिए कि जो रेशम का कीट है वो बहुत ही सेंसिटिव कीट होता है, और आप जैसा हमने पिछली बार चर्चा भी करी कि उसके ऊपर तापमान और आर्द्रता का तुरंत असर पड़ता है। तो उचित कीट पालन के लिए उसके रूम का या जिस कक्ष में वो कीट पालन हो रहा है वहाँ का तापमान और जो आर्द्रता है वो समान होनी चाहिए, उचित होनी चाहिए। उसी प्रकार से जो हम उसका भोज्य पौध है वो भी, क्योंकि उसके माध्यम से भी तापमान और आर्द्रता उस कक्ष में आती है, उस ट्रे में, उस कीड़े के ऊपर आती है, तो उसके लिए भी उचित प्रबंधन होना बहुत जरूरी है। ऐसी स्थिति में कभी ये सलाह नहीं दी जाती है कि आप तेज धूप में या दिन के समय में बाहर से पत्ती तोड़ के लाएं और सीधे उसको रेशम कीट के ऊपर भोज के रूप में डाल दें। उससे क्या होगा, उस तापमान का असर उसकी कीड़े के ऊपर प्रतिकूल पड़ेगा और उससे कीड़े में बीमारी आने की संभावना होती है। तो ये यहाँ पर धूप की बात थी, इसके बिल्कुल इतर ऐसी भी बात निकल करके आती है कि बरसात के मौसम में जब कीट पालन किया जाता है तो उस समय बहुत कभी कभी बारिश हो जाती है, दो दो तीन तीन दिन तक, तो उस बारिश में पत्तियां बहुत भीग जाती हैं बाहर, और उसको तोड़ करके हम लाते हैं, क्या उसकी डायरेक्ट फीडिंग हम कीड़े को कर सकते हैं या उस मॉइस्चर को सुखाना चाहिए, क्या करना चाहिए नहीं, हमें? बिल्कुल वही स्थिति, जैसा कि अधिक तापमान की स्थिति बनती है वैसे ही ये नमी की स्थिति में भी हमें इस तरह का बिल्कुल नहीं करना है कि सीधे हम बरसात में या भीगी हुई पत्ती को हम सीधे लाएं और सीधे ही कीड़े को खिला दें। हम उन पत्ती को लाके अपने कक्ष में एक उचित समय के लिए उसको सुखा सकते हैं, उसके लिए अलग अलग विधियां अपना सकते हैं, कपड़े से पोंछ कर या हम रस्सी बांध कर उसमें वो टहनियां जो हम काट के लाए हैं ऐसे मौसम में जब बरसात होती है उनको लटका के कुछ समय के लिए छोड़ देते हैं, जिससे कि उसकी अतिरिक्त नमी खत्म हो जाती है। फिर उसको जिस प्रकार से हम सामान्य रूप से पत्ती काट के देते हैं अगर वैसे देंगे तो आपकी फसल भी अच्छी होगी और रेशम कीट पालन में अच्छा असर पड़ेगा। जब पत्ती की बात चल ही रही है तो पत्ती की साफ सफाई की हम बात करें कि क्या साफ पत्ती कीड़े को दी जानी चाहिए, या जैसी भी पेड़ से तोड़ लाए, पेड़ में गंदी थी, कुछ डस्ट था, कुछ इंसेक्टिसाइड पड़ा हुआ था, क्या वैसी पत्ती उसे दे दी जाए? देखिए, इसमें दो चीजें हो गई हैं, एक तो पत्ती में प्राकृतिक रूप से जो धूल आ जाती है वो हो गई है, या फिर जो उसमें हम इंसेक्टिसाइड का अगर कहीं पर उपयोग हुआ है वो। तो देखिए, इंसेक्टिसाइड तो एक तरीके से कीड़े के लिए जहर के रूप में होता है। अगर इस तरह की पत्तियां किसी भी रूप में कीड़े को हम भोज पदार्थ के रूप में खिलाते हैं तो उसमें कीड़ा बुरी तरह से प्रभावित होता है और किसान की फसल पूरी तरह से खराब हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में ये बहुत ध्यान रखना आवश्यक है कि हम ऐसी जगह से पत्ती ना लें जहां पर किसी दूसरी फसल में रसायन का छिड़काव किया गया है। अगर ऐसी जगह में संदेह है भी कि वहां पर इस तरह की कोई स्थितियां बनी है तो हम एक सैंपल के तौर पर उन पत्तियों का उपयोग कर सकते हैं और उसका प्रभाव देखते हुए फिर हम उस तरह की पत्ती खिला सकते हैं। लेकिन रासायनिक खाद वाली जो रासायनिक वाली पत्तियां हैं आपकी जो रसायन से प्रभावित है उन पत्तियों को आपको कतई कीड़ों को नहीं खिलाना है। हमने बहुत सारी ज्ञान की बातें सुनी, और जिनमें खासकर हमने आज लीफ चैम्बर से शुरुआत की थी और जो निकलती निकलती दूर तक चली गई पत्तियों की, बहुत सारी बातें ऐसी निकल करके आई जो हमारे किसान जो कीट पालन कर रहे हैं वो अगर उन बातों को बहुत ध्यान से सुनेंगे और सीखेंगे तो हम आशा करते हैं कि वाकई वाकई वो बहुत बेहतरीन कीट पालन करके अपना अच्छा रेशम को एक उत्पादन करेंगे और जिसे बेचकर वो अच्छी आय को अर्जित कर सकते हैं। मैं इतना ज्ञान और अपने इस ज्ञान के प्रकाश से हमें आलोकित करने के लिए मेरे साथियों को साथ अपने ज्ञान के प्रकाश को साझा करने के लिए अपने साथ जुड़े रोमिल जी का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूंगा, और आप लोगों से फिर कहूंगा जाइएगा नहीं।
अभी के लिए तो जा सकते हैं, लेकिन बने रहिएगा हमारे साथ, हम निरंतर आपके साथ जुड़े रहेंगे और ऐसी ही तकनीकी जानकारियां साझा करते रहेंगे। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं।